लेती है। भारत सरकार पाबंदी कैसे लगाए, दारू क्यों नहीं बंद हो पा रही, क्योंकि वो लाइसेंस ये बेसिकली बेसिक ये क्लियर है हमारा कि ये जो नो वर्ल्ड टोबैको वीक चल रहा है, इसमें यह है कि टोबैको से होने वाले नुकसान के बारे में पब्लिक को अवेयर करना और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना कि इन पे जो टैक्स वो बढ़ाया जाए, जिससे लोगों की पहुंच से बाहर हो और उसको उपयोग कम हो, जिससे उसके होने वाले दुष्परिणाम या जो कैंसर और सांस की बीमारियां वो थोड़ी कम हो जाएँ, जिससे लोगों के अकाल मृत्यु का सामना न करना, और पब्लिक भी अवेयर हो कि होने वाले तंबाकू के उपयोग से, खाने वाले तंबाकू या पीने वाले तंबाकू से जो दुष्परिणाम हो रहा है उससे जागरूक। किस तरह की बीमारियां होती हैं तंबाकू खाने से? मुंह के कैंसर से लेके हर जगह का कैंसर होने की संभावना बनी रहती है, फेफड़ों का कैंसर, सांस की बीमारियाँ है ना, पैंक्रियाज, स्टमक, हर जगह कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो उन बीमारियों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि उसका उपयोग बंद किया जाए। तंबाकू एक इससे कैंसर एक बीमारी बड़ी बीमारी है, लगातार बताई जाती है, इसके जागरूकता के लिए शहर में तो डॉक्टर जो है चलाए जाते हैं, इसका प्रभाव भी होता है, लेकिन जो निम्न स्तर पर जो पिछड़े गांव है वहां तक इसका प्रभाव ये जागरूकता जो नहीं हो पाता, क्या कुछ ऐसा कुछ उपाय वहाँ? बेसिकली ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, बाकी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कैंपेन कर रही है सारे प्रोडक्ट पे, जो वार्निंग देती है सारे लोगों को और निशान दिखाती है कि ऐसे कैंसर के बड़े बड़े गंदे से विचित्र से जो एक्चुअल रियल पिक्चर है वो सब दिखाती है लोगों को। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सारा अवेयरनेस प्रोग्राम शहरों में चल रहा है, जो भी आप डिब्बी खरीदते हैं सिगरेट की हो चाहे खैनी की हो, सब पे एक वार्निंग रहती है, तो ये गवर्नमेंट की कंपेन गांव-गांव तक जा रही है, बट लोगों के अवेयरनेस की ज़रूरत है, जितने लोग अवेयर होंगे उतना ही बेहतर होगा, लोग उससे होने वाले नुकसान के बारे में जाने। विदाउट पब्लिक अवेयरनेस लोगों की अपनी पर्सनल जानकारी और पर्सनल विल पावर के बगैर कोई रोक नहीं सकता। क्या आपको लगता है सरकारी जनता जन चलाए जाते हैं उसका प्रभाव जनता जाता गांव तक इसलिए स्तर पर? बिल्कुल जाता है, क्योंकि सारे प्रोग्राम सिर्फ शहरों में नहीं चलते, वो गांव में भी चलते हैं, उनकी पीएससी सीएससी हर जगह पे जहां भी नेटवर्क है, या लोगों में भी प्राइवेट डॉक्टर भी कैंप करके लोगों को अवेयर कराते हैं, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलते रहते हैं हर जगह। लेकिन देखा जाए तो जागरूकता अभियान सरकार तरफ चलाए जाते हैं लेकिन प्रभाव नहीं पाता, उससे कई रीजन है, एक तो अगर बात की जाए टीबी रोग नियंत्रण अभियान की, तो मुख्यमंत्री जी ने टीबी दिवस के अवसर पर 5 मोबाइल वैन रवाना किया था, जो आज भी 4 वैन अभी विश्वास भवन में खड़ी हुई 2 महीने से, इस तरह के उदाहरण है, तो किस प्रकार से जागरूकता हो पाएगी? नहीं देखिए, इसके लिए तो थोड़ा पॉलिटिकल विल पावर भी चाहिए, विदाउट विल पावर आप कोई भी मूवमेंट आगे नहीं कर सकते, एक दिन कोई चीज़ बनाना या कोई मनाने के दिन नहीं होते, देयर आर नॉट डेज फॉर सेलिब्रेशन, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको हमेशा इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करना, एक दिन आप इकट्ठा होकर ताली बजा के काफी के, दिस इज़ नॉट ए फेस्टिवल, दिस इज़ ए परसिस्टेंट, ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा चलते रहना चाहिए, अभी तो विदाउट किसी भी विल पावर के बगैर, चाहे आपकी हो चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे पॉलिटिकल हो, या इवन जो स्मोकिंग करते हैं या जो तंबाकू यूज़ करते हैं, उनकी खुद की विल पावर चाहिए तभी वो छोड़ सकता है, अदरवाइज ये चीज़ें कभी भी कोई कंपेन चलाते और कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। सब क्या आप लोग जो विशेषज्ञ हैं, तमाम जो तंबाकू के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, जिम डॉक्टर्स हैं, क्या आप लोग सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं बना सकते हैं कि सरकार इसको पूरी तरह से बंद कर दे, सरकार खाली विज्ञापन देती है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, सरकार को हमेशा इस तरीके के नोटिफिकेशन दिए जाते रहते हैं, हमेशा सुझाव दिया जाता है, लेकिन सरकार की अपनी जो भी लिमिटेशन होती है उन लिमिटेशन से आगे नहीं कर सकती, सरकार भी सारे प्रयोग करती है, चाहती है कि लोग स्वस्थ रहें, बिना स्वस्थ रहे इंडिया का आप जीडीपी नहीं बढ़ा सकते, बीमार आदमियों के भरोसे आप जीडीपी नहीं बढ़ा सकते कभी। प्रेस क्लब में विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो कि 31 मई को है, उसके उपलक्ष्य में डॉक्टर ओपी वर्मा ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी, उसके उससे जो कैंसर होते हैं उस तरह के तमाम तरह के कैंसर के बारे में उन्होंने चर्चा की। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज़, लखनऊ।